नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला, शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। टेलको थाना क्षेत्र के शिक्षा निकेतन स्कूल में पढ़ने पहुंची छात्रा की हुई मौत, हृदय रोग से थी पीड़ित, पुलिस कर रही है जांच। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के बीच 21 अक्टूबर को होगी लॉटरी, जमशेदपुर अक्षेस कर रही है तैयारी। जमशेदपुर में शुरू हुआ द्वितीय नेशनल फिल्म फेस्टिवल, 62 फिल्मों का होगा प्रदर्शन, समापन समारोह में पहुंचेंगे कई हस्तियां। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत शिक्षा निकेतन स्कूल की एक छात्रा की मौत टाटा मोटर्स अस्पताल में हो गई। छात्रा का नाम वैष्णवी झा बताया जाता है। छात्रा टेलको की ही रहने वाली थी। छात्रा हृदय रोग से पीड़ित थी और उसका ब्रह्मानंद नारायण अस्पताल और बेंगलुरु में इलाज चल रहा था। छात्रा अक्सर बीमार रहा करती थी। इधर आज भी छात्रा स्कूल पहुंची, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वह असेंबली में नहीं पहुंच सकी। तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर विद्यालय प्रबंधन ने छात्रा को टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। वैसे घटना की सूचना मिलते ही टेलको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उधर परिजनों ने छात्रा के मौत के पीछे बीमारी को कारण बताया है, जबकि स्कूल प्रबंधन ने इसे एक बड़ी क्षति बताया है। वहीं छात्रा की मौत के बाद स्कूल प्रबंधन ने स्कूल को फिलहाल बंद कर दिया है। असेंबली के दौरान ऐसे असेंबली में बच्चे सारे बाहर गए हुए थे, ये बच्चे थोड़ा सा अस्वस्थ लगे तो हमारी स्टाफ तुरंत वहीं पर ही थे, देखे कि ये बच्चे थोड़ा सा अस्वस्थ लग रहे हैं, कुछ सुबह तुरंत उठा के लेके गए, स्टाफ और टीचर्स के साथ तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। हाँ जी, बीमार हॉस्पिटल जाके भी पता चला, डॉक्टर्स भी बताए तो उनका इलाज टाटा मोटर्स में चल रहा था कुछ महीनों से, तो वहाँ से फिर डॉक्टर्स बता दिए थे कि कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद बेलो को रेफर कर दिया गया था। उसका ट्रीटमेंट कौन सा उसका बच्चे हैं वंस। आज सुबह शिक्षा निकेतन स्कूल में वैष्णवी झा नामक एक बच्ची, 7 वर्षीय बच्ची थी, वंशी में का स्टूडेंट थी, प्रेयर के समय प्रेयर में शामिल नहीं हुई, उसको पूर्व से हार्ट का प्रॉब्लम था, तबियत खराब हुआ, अस्पताल लाया गया टाटा मोटर्स के थ्रू, मृत्यु हो गई। पुलिस जांच कर रही है और उसका कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के बीच लॉटरी 21 अक्टूबर को होगी। उधर लॉटरी को लेकर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पहले फेज में लगभग 12 लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों का आवंटन किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान लगभग तैयार हैं। वैसे लॉटरी उपायुक्त और जिला प्रशासन के सामने की जाएगी। इस लॉटरी में पूरी पारदर्शिता होगी। वैसे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया ने काफी कम दिनों में काफी तेज गति से काम कर लाभुकों को मकान देने का जो वचन दिया था वह पूरा होते दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक में जो बागुन हाथों परियोजना है उसकी देखेंगे कि जो है काम स्टार्ट हो गई है, और जो उसका हम लोग आवास आवंटन की प्रक्रिया है उसको हम लोग पूर्ण कर लिए हैं। जितने भी उसमें मापदंड दिए गए हैं उसको हम लोग बखूबी तौर पे उसको ठीक कर लिए हैं, और डीसी साहब के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसको लेकर के हम लोग जो है 21 तारीख को 1 बजे टाउन हॉल, सिद्धगोड़ा के टाउन हॉल में हम लोग उसको लॉटरी करेंगे, और लॉटरी में जिनको आवास निकलेगा उनको हम लोग आवंटित करेंगे। कुल मिलाकर के हम लोग जो है 1136 आवास अभी आवंटन कर रहे हैं, और बैंक से हमको 3864 जो आवेदन प्राप्त हुआ है उसके आलोक में हम लोग जो है लॉटरी करेंगे, और ये लॉटरी जो है NIC का जो रेंडमाइजेशन का जो प्रक्रिया है उसके आलोक में ये किया जाएगा, और कुल मिलाकर वहाँ पर जितने भी लाभुक हैं उनको हम लोग पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से
या वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित जो सूचना होगी उसमें सभी लाभुक आएंगे और उनकी मौजूदगी में हम लोग जो है लॉटरी करवाएंगे। जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में द्वितीय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया जो आगामी 4 दिनों तक चलेगा। इसमें कुल 62 फिल्में प्रदर्शित की जाएगी। इस फेस्टिवल के दौरान अलग अलग भाषाओं की फिल्में दिखाई जाएगी। वहीं आगामी 18 अक्टूबर को इस कार्यक्रम में शिरकत करने कई सेलिब्रिटी शहर पहुंचेंगे। वैसे बिष्टुपुर के एक्सएलआरआई सभागार में कार्यक्रम का समापन होगा और कई फिल्मी हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उधर फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में बॉलीवुड कलाकार के आने की उम्मीद है। कि 15 अक्टूबर यानी आज के दिन हम भव्य उद्घाटन किए हैं माइकल जॉन ऑडिटोरियम में और आज 20 फिल्मों को हम प्रदर्शन करेंगे। अलग अलग भाषाओं की फिल्में हैं। पूरे भारतवर्ष से 109 फिल्में आई हैं जिसमें से 64 फिल्मों को हम स्क्रीनिंग करेंगे 4 दिन में। और जैसे कि हम बंगाल से फिल्में आई हैं, आसाम से फिल्में आई हैं, उड़ीसा से फिल्में आई हैं, मुंबई से फिल्में आई हैं, झारखंड की फिल्में हैं, कोलकाता की फिल्में हैं। 18 तारीख को हमारे शहर के ही जाने माने फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज़ अली जी हमारे बीच होंगे जो युवाओं के बीच में काफ़ी फेमस है, काफ़ी हिट फिल्में उन्होंने दिया है। साथ ही साथ उनके छोटे भाई हैं साजिद अली जी, वो भी हमारे बीच आ रहे हैं। आनंद राउत जी हैं, झारखंड के ही डायरेक्टर हैं, आज बॉम्बे में बहुत नाम उन्होंने कमाया है, अब उनको हम बुला रहे हैं। और श्वेता पड्डा जी हमारे बीच होंगी जो मिस एशिया रही हैं 2015 की। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में विगत 10 अक्टूबर को हुए सड़क दुर्घटना में अनिल सिंह घायल हो गए थे। इलाज के क्रम में उनकी मौत 13 अक्टूबर को हुई। इसके बाद मंगलवार को उनके परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर कदमा थाना में जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही न्याय की मांग भी की। बताया जाता है कि घटना कदमा थाना क्षेत्र में घटित हुई थी जहां गमरिया निवासी अरुण सिंह नामक व्यक्ति आइसक्रीम की फेरी कर रहे थे। सड़क के बीच से वे सड़क पार कर रहे थे तभी दो स्कूटी और एक ऑटो चालक आमने सामने भिड़ंत हो गई और इस दुर्घटना में अरुण सिंह बीच में दब गए और वो बुरी तरह घायल हो गए थे। स्थानियों के द्वारा उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में पहुंचाया गया था जहां विगत 13 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद उनके परिजनों को खोजा गया और इसकी सूचना दी गई थी। पहले भी परिजनों की खोजबीन की जा रही थी लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद मंगलवार को उनके परिजनों ने कदमा थाने में जोरदार हंगामा किया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। हम लोग गमरिया के रहने वाले थे, 4 साल से, इतना साल से मेरे पति हमको खिला रहा था, ये लोग खिला रहा था अरुण सिंह। हम हवा मिठाई बेचते थे और कभी आइसक्रीम बेचते थे और 3-4 साल टीजीएस में काम किए। इसके बाद काम बंद होने के बाद उनको काम नहीं मिला तो हवा मिठाई बेच के अपना गुजारा हम लोग के बाल बच्चा पढ़ाते लिखाते थे, हम लोग का पेट चलाते थे। वो भी अलग से देखा नहीं गया, अपना पापा रुआर के बचा लिया, मेरा आदमी को मार के वहाँ फेंक दिया, इलाज नहीं कराया, झूठ मूठ के बोल रहा है इलाज कराए हैं, इलाज कराते तो मान लो वही तो गाड़ी है, वही दोनों बाइक वाला मारा होगा, एक तो टेम्पू वाला था। उस दिन का है नहीं, वो लोग हॉस्पिटल में भर्ती करा के छोड़ दिया, चाहे मेरा घर नहीं दवाई कराता, मेरा घर में पहुंचा देता है, अपने आदमी के दवाई कराते हैं। वो लोग अपना आदमी का कैसे दवाई करा के बचा लिए, मेरा आदमी कैसे मर गए। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल थाना अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र के तमोलिया स्थित ब्रह्मानंद अस्पताल के पीछे मैदान में एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला की हत्या पत्थर से कूच कर की गई है। वहीं सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। वैसे आशंका जताई जा रही है कि महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई होगी। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटना हुआ और अज्ञात महिला को कहीं से मार के ले आके रख दिया, अभी कुछ नहीं। अभी हम लोग को 1 घंटा पहले। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरायकेला जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। कल जहां जिले के उपायुक्त ने सरायकेला
सामुदायिक भवन में ईवीएम मशीनों का निरीक्षण कर सभी तकनीकी कमियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया था। वहीं आज डीडीसी ने इंचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुकड़ू प्रखंड के दयापुर, उड़िया, दुलमी और खोलदी लौंगा स्कूलों के बूथों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में इन बूथों पर मतदान का प्रतिशत कम था। इस दौरान डीडीसी संजय कुमार ने मौजूद लोगों को ईवीएम मशीन के माध्यम से कैसे मतदान किया जाता है इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके जानकारी दी। साथ ही मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक भी किया। कि आखिर क्यों वोटिंग परसेंटेज 60% ही है, इसको वोटिंग परसेंटेज को हम लोग 75% 85% तक कैसे ले जा सकते हैं, इसके लिए ग्रामीणों का क्या राय है, क्या मशविरा है, इस संबंध में हम लोग यहाँ बातचीत करने आए हैं। प्लस दूसरा कि यदि कोई योग्य वोटर जिनका उम्र 18 वर्ष और उससे ऊपर है, यदि कोई ऐसे वोटर जिनका मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है, उसका भी फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं और उसी को देखने के लिए आए हैं। एक बात और है, अभी आसन्न विधानसभा चुनाव जो नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है, उसमें ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन ग्रामीणों के बीच, ताकि ग्रामीणों के मन में किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति नहीं हो। कोल्हान के तीनों जिले के मानकी, मुंडा और डकुआ समुदाय के लोग राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोशित है, जहां इन्होंने स्वशासन व्यवस्था के तहत राज्य सरकार की ओर से तीनों जिले के मानकी, मुंडा और डकुआओं और दाउरी समुदाय को अब तक मानदेय नहीं देने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में मानकी, मुंडा, डाकुआ सुशासन विधि व्यवस्था जिला समिति पूर्वी सिंहभूम के बैनर तले बैठक कर राज्य सरकार से अविलंब तीनों जिले में विल्किंसन रूल लागू करते हुए निर्धारित मानदेय देने जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार इन समुदायों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है। इधर इन्होंने बताया कि कोल्हान के तीनों जिलों को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में राज्य सरकार की ओर से ग्राम स्वशासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुंडाओं और अन्य आदिम जनजातियों को मानदेय दिया जा रहा है, जबकि कोल्हान में इनके नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं इन्होंने साफ कर दिया है कि जल्द ही राज्य सरकार अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। के मानकी, मुंडा, डकुआ, देवरी के जिला समिति की ओर से आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा कहना है, हम राज्य सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जिला प्रशासन से हम कहना चाहते हैं और पूरे झारखंड प्रदेश पे जो आदिवासी समाज व्यवस्था जिस प्रकार चल रही है, उनका जो काम है, उनका जो दायित्व है, वो जिस दायित्व को अपने पूरे निष्ठा के साथ वो निभाते हुए आ रहे हैं, यदि राज्य सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में लोग आदिवासी समाज के प्रति उनका एक अच्छा नज़रिया अगर है, तो पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिला में जो मानकी, मुंडा हैं, डकुआ हैं, देवरी हैं, उनको मानदेय राशि पूरे झारखंड के आप सामाजिक व्यवस्था के लोगों को आप दे रहे हैं, लेकिन सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिला के मानकी, मुंडा, डकुआ, इनके साथ दोहरा वार्ता क्यों हो रही है? दीपावली को लेकर शहर में नकली मावा और मिठाइयों की आवक बढ़ जाती है। इसको लेकर जमशेदपुर में बस्ती विकास समिति के लोगों ने जिले के उपायुक्त और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी से मिलकर नकली मावा और मिठाइयों पर रोक लगाने एवं इनको लेकर सख्ती बरते जाने की मांग की है। इन्होंने दीपावली के लिए पटाखे का लाइसेंस 1 सप्ताह से 10 दिन पहले दिए जाने की मांग भी की है, ताकि लाइसेंस के लिए व्यवसायियों को परेशानी ना हो एवं उन्हें अपने पटाखों को बेचने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आपको बता दें कि जमशेदपुर में बस्ती विकास समिति नागरिक सुविधाओं के लिए सदैव सरकार और जिला प्रशासन के समक्ष उचित मांगे रखती आई है। आने वाले समय में जो आगामी जो त्यौहार है, पर्व त्यौहार है, उसमें मिठाइयों में मिलावट काफ़ी देखी जाती है और हमेशा ये देखा जाता है कि नकली मावा हमेशा यूज होते हैं यहाँ पर और कई बार इसकी शिकायत आती है। तो हम लोग जमशेदपुर की जनता को, मैंने उनके सेहत से लोग खिलवाड़ नहीं करें,
इसके लिए हम लोगों ने मांग की है उपायुक्त महोदय से, इस पर उचित कार्रवाई समय पर करें और इसकी जानकारी भी जनता को हो, ये हम लोगों ने मांग किया है। दूसरी बात है, उसी विषय पर हम लोग और आगे बढ़ते हुए ये मांग किए हैं कि पटाखों का जो लाइसेंस है बहुत अफरा तफरी में लास्ट में दिया जाता है, उसके संबंध में भी हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को कहा कि समय रहते सप्ताह 10 दिन पहले उन्हें पटाखों का लाइसेंस मिले, चाहे वो खुदरा या थोक व्यापारी हो, ताकि वो समय पर अपना दुकान लगा सके, अपनी रोजी रोटी चला सके। जमशेदपुर में आगामी 16 अक्टूबर से CISCE के द्वारा नेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल 8 राज्यों से लगभग 176 प्रतिभागी इस टूर्नामेंट में शामिल होंगे। 3 दिनों के इस टूर्नामेंट का आयोजन GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। वैसे CISCE के द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन कर छात्रों के भीतर छुपे खेल प्रतिभा को निखारने का कार्य किया जाता है, और इस बार बॉक्सिंग का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 8 राज्य शामिल हो रहे हैं। शहर के 8 स्कूलों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। 3 दिनों के टूर्नामेंट के बाद विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स में 3 दिनों का फर्स्ट CISCE नेशनल बॉक्सिंग का चैंपियनशिप स्टार्ट हो रहा है। ये कल सुबह यानी 16 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होगा सुबह 10 बजे, और ये 3 दिनों तक चलेगा 16, 17 और 18 तारीख को। इसमें 8 रीजन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8 रीजन से आएंगे, पहुँच भी गए हैं, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न रीजन, उसके बाद तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये सारी जगहों से बॉक्सर्स आ रहे हैं। टोटल 176 स्टूडेंट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग। इसमें 3 कैटेगरी में भाग लेंगे, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, और इसका आयोजन हमारे 8 स्कूलों ने मिलकर किया है। जमशेदपुर के करंडी स्थित आदिवासी भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जहां रांची में होने वाले बदलाव यात्रा की रणनीति तय की गई। इस दौरान जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले 55 पंचायत के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए, जहां बैठक का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहादुर कुस्कू ने बताया कि 19 तारीख को झारखंड की राजधानी रांची में केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बदलाव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जमशेदपुर प्रखंड के 55 पंचायत से लगभग 2000 की संख्या में लोग बदलाव यात्रा में शामिल होंगे, जिसके लिए रणनीति तय की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जयपाल स्टेडियम में स्टेडियम निर्माण के नाम पर फ्लाई ऐश डाला गया है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन स्थिति यहां भयावह होती जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 20 अक्टूबर को स्टेडियम वाले स्थल पर उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा, और उसके बाद भी अगर कोई हल नहीं निकला तो झामुमो आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी। अक्टूबर को जो रांची हरमू मैदान में बदलाव महारैली का जो आयोजन किया जा रहा है, उस महारैली में जमशेदपुर प्रखंड कमेटी तैयारी का बैठक चल रहा है, क्योंकि ये हमारा 55 पंचायत है, और आज इस तैयारी बैठक को सफल बनाने के लिए 55 पंचायत से कम हम लोग का 50 बस और 50 सुमो जाएगा, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग एक प्रबंधक समिति बनाए हैं, जो बस को लेके जनता को जो लेके जाएंगे रांची तक, उसका देख रेख के लिए प्रबंधक समिति बनाया है। और इसके साथ साथ आज का बैठक में यह भी प्रस्ताव हम लोग ला रहे हैं, ये जो जयपाल मैदान में जो डस्ट गिरा हुआ विगत दिन, और वो डस्ट के कारण क्षेत्र में जो इससे पहले जो पानी उनी हुआ, पानी जो गिरा, वो पानी नीचे की तरफ चले जा रहा है, इससे हमको लगता है कहीं ना कहीं ये डस्ट अगर जल्द से जल्द इसको अगर नहीं हटाया जाए तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोगों को संक्रामक बीमारी फैल सकती है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो, या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो, तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुखातिब होंगे।
कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एएमजी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।